तो गाइस वापस से मिस्टर मेड ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है एंड वो अब की बार ग्रेनी को साथ में लेकर आया है। एंड कल रात को यहाँ पर सिटी के अंदर से पुलिस की कार की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मिस्टर मेड एंड ग्रेनी को पुलिस पकड़ रही हो। एंड जब मैं बाहर जाके देखता हूँ ना तो मुझे मिस्टर मेड एंड ग्रेनी की काफी जोर जोर से आवाज आ रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि मानो कि मिस्टर मेड एंड ग्रेनी मेरे आस पास से कहीं घूम रहे हो। बट वेट भाई, वो सामने क्या है? अरे ये क्या है? वॉट भाई, डायनासोर की डेड बॉडीज। और मेरे को लग रहा है कि इनको यहाँ पर ग्रेनी एंड मिस्टर मीट ने मारा होगा, तो मुझे यहाँ पर अंदर भागना पड़ेगा वरना मेरे को भी ग्रेनी एंड मिस्टर मीट मार डालेंगे। तो हम चलने वाले हैं यहाँ पर जिम रूम के अंदर, बिकॉज वहाँ पर मैं सेफ रहने वाला हूँ पूरी नाइट। वेट भाई, मिस्टर मेट ने वापस से सिटी पर अटैक कर दिया यार। एंड अब की बार यहाँ पर मिस्टर मेट अकेला नहीं बल्कि उसके यहाँ पर ग्रेनी भी है। ग्रेनी काफी खतरनाक होती है भाई। मालिक, क्या हमें मिस्टर मेट एंड ग्रेनी मार डालेंगे? मालिक हमको बचा लो मालिक हमको। अरे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मिस्टर मेट एंड ग्रेनी को पहले मार डालूंगा। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, मिस्टर मेट काफी खतरनाक है, ग्रेनी भी काफी खतरनाक है, वो हमको मार डालेंगे, हमको बचा लो मालिक। वैसे यहाँ पर बात तो बिल्कुल सच है, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर मेट एंड ग्रेनी काफी खतरनाक। एंड अगर नाइट के अंदर यहाँ पर मिस्टर मीट आया ना भाई, तो यहाँ पर डायनासोर एंड हॉर्स को मार डालेगा भाई, क्योंकि मिस्टर मीट काफी खतरनाक है। एंड आज रात को यहाँ पर मिस्टर मीट साइड से आने वाला है सिटी ऊपर अटैक करने के लिए, मुझे लग रहा है ऐसा। मालिक, क्या हमें मिस्टर मीट मार डालेगा? बोलिए ना मालिक, मिस्टर मीट क्या हमें मार डालेगा? अरे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पर पुलिस वालों को बुला लूंगा एंड मेरे पास यहाँ पर एक खतरनाक सा टैंक भी है, तो तुम्हें मिस्टर मीट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मालिक, लेकिन वो मिस्टर मीट काफी खतरनाक है, वो मार। हाँ ये बात तो है कि मिस्टर मेट काफी खतरनाक है, बट उससे खतरनाक तो भाई मैं हूँ। मालिक आप कुछ भी खतरनाक नहीं हो, बल्कि मिस्टर मेट आपसे ज्यादा खतरनाक है, ग्रेनी भी आपसे खतरनाक है, आपको तो ऐसे ही मार देंगे। हाँ मालिक, आप में कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि मिस्टर मेट काफी डेंजर है। हाँ ये बात तो है कि मिस्टर मेट काफी डेंजर है, बट देखो यहाँ पर हमारे घर का यहाँ पर गेट भी नहीं है, तो अगर नाइट के अंदर यहाँ पर मिस्टर मीट आएगा ना तो सीधा घर के अंदर एंटर करने वाला है एंड वो सभी डायनासोर सभी हॉर्स को भी मार सकता है भाई। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम करने वाले हैं पुलिस वाले को फोन, बिकॉज पुलिस वाले यहाँ पर आकर रह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो गाइस देखो सामने एक बहुत ही बड़ी चीज आपको दिख रही होगी चमकती चमकती, यह टैंक, इसको टैंक बोलते हैं गाइस। एंड ये टैंक मैंने यहाँ पर यूएस से मंगाया मिस्टर मीट को मारने के लिए, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ टैंक किस प्रकार से वर्क करता है। मान लो कि नाइट के अंदर यहाँ पर मिस्टर मीट घर के अंदर एंटर करेगा, तो इस वाले टैंक से मैं उसको इजिली मार सकता हूँ गाइस, ठीक है? ये टैंक काफी खतरनाक है। वैसे फिलहाल दिन के अंदर तो मिस्टर मीट नहीं आने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पुलिस को फोन करने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर नाइट भी होने वाली है। तो चलो गाइस पुलिस का नंबर मिलाते हैं यहाँ पर 100 नंबर। चलो हेलो, हाँ सर, हाँ मिस्टर मेट आने वाला, नाइट भी होने वाली है, आप सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज दो। हाँ हाँ 100 पुलिस वाले ठीक रहेंगे, हाँ जल्दी से भेज दो, नाइट होने वाली है। तो गाइस मैंने यहाँ पर पुलिस वालों को फोन कर दिया एंड कुछ ही समय बाद में यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह, फिर मिस्टर मेट यहाँ पर नहीं आ सकता वापस। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों को बुला लिया जो कि पुलिस की गाड़ियां है। अब तो मिस्टर मेट तो क्या, मिस्टर मेट का बाप भी मेरे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो गाइस देखो कितने सारे पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आ चुके हैं। अब हम चलने वाले हैं यहाँ पर अंदर, बिकॉज मुझे सोना है एंड वैसे भी यहाँ पर गाइस नाइट होने वाली है। ये देखो यहाँ पर नाइट भी हो चुकी है गाइस। बट वेट भाई, ये पीछे क्या बोल रहा है? हाँ भाई मंगरू, क्या बोल रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, सुनना पड़ेगा, रुको एक मिनट। मालिक आप कहाँ पे जा रहे हो? मिस्टर मेट कभी भी आ सकता है, नाइट हो चुकी है, अभी छोड़कर मत जाओ मालिक, वरना मिस्टर मेट हमको मार देगा। अरे यहाँ पर मिस्टर मेट नहीं आ सकता, बिकॉज बाहर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सोने के लिए। तो हम चलने वाले यहाँ पर सोने के लिए, बिकॉज काफी टाइम बीत चुका है, 10 बज चुके हैं यहाँ पर। बट देखो यार ये सामने घोड़े वोड़े खड़े रहे, काफी डरे हुए मिस्टर मेट एंड ग्रेनी से। मालिक हमें मिस्टर मेट एंड ग्रेनी से काफी ज्यादा डर लग रहा है, वो नाइट के अंदर हमको मार सकते हैं। अरे यहाँ पर मिस्टर मेट नहीं आ सकता, तुम बिना फालतू में डर रहे हो यार, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, फिर भी मिस्टर मेट कैसे अंदर आ सकता है तुम्हारे पास? एंड देखो यहाँ पर न्यूज आ रही है, देखना पड़ेगा कौन सी न्यूज आ रही है, आई थिंक सो मिस्टर मेट की न्यूज है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर इंडियन बैंक ड्राइविंग थ्रीडे के ऊपर आज नाइट को वापस से मिस्टर मेट हमला करने वाला है। एंड सिटी गार्ड पे इसका ये कहना है कि आज नाइट को मिस्टर मेट यहाँ पर न्यू हाउस के पास में भी आने वाला है, तो न्यू हाउस पर आज अटैक करने वाला है। वैसे न्यू हाउस के पास में काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फिर भी वहाँ पर डायनासोर एंड हॉर्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं। भाई ये तो मेरी बात कर रहा है, बट मिस्टर मीट आज नाइट को आने वाला तो है, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे हाउस के ऊपर अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी हाई है। बट वेट भाई, ये सामने कौन है? अरे
व्हाट, ये कौन है यहाँ पर, देख पूछना पड़ेगा रुको एक मिनट। मालिक हम मिस्टर मीट से काफी ज्यादा डर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर आकर छुप गए हैं, क्योंकि मिस्टर मीट कभी भी आकर हमको मार सकता है। अरे यहाँ पर मिस्टर मीट कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज देखो यहाँ पर मिस्टर मीट को रोकने के लिए वहाँ पर नीचे पुलिस वाले है यार, फिर भी तुम डर रहे हो। नहीं मालिक, पुलिस वाले भाग जाते हैं यहाँ पर मिस्टर मीट से डर कर, क्योंकि मिस्टर मीट एंड ग्रेनी काफी खतरनाक है दोनों ही। अरे तुम पागल हो क्या, क्या क्या बोल रहे हो पुलिस वालों के बारे में। तो गाइस कोई नहीं, ये बच्चे ऐसे बोलते हैं। बट गाइस हम सोने वाले हैं, बिकॉज जल्दी सुबह जल्दी उठना है, फिर जाना है काम के लिए। तो गाइस मैं पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पर मिस्टर मीट तो कहीं पर आने गया ना, कहीं पर ग्रेनी आकर हमारे डायनासोरों को मार दे। ये देखो भाई यहाँ पर तो बिल्कुल सेफ है एंड कोई भी नहीं, एंड सामने पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, इस वाले बेड के ऊपर हम सोने वाले हैं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, कल रात को मैं सोया नहीं था वैसे भी मिस्टर मीट के डर से। गाइस यहाँ पर सुबह हो चुकी है वापस से, एंड अरे हाँ मॉर्निंग हो चुकी है। तो मुझे ना यहाँ पर भाई देखना पड़ेगा कि मेरे डायनासोर या फिर हॉर्स सेफ या नहीं है, मेरे को काफी अजीब सा लग रहा है पता नहीं क्यों। बट चलते हैं नीचे एंड देखते हैं। व्हाट भाई, ये क्या सामने क्या है, अबे यहाँ पर घोड़े मरे पड़े, बट नहीं यार ये किसने मारा इनको। तो गाइस मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टर मीट एंड ग्रेनी ने इनको मार डाला है। ये देखो भाई, अबे यार फ्रैंकलिन भैया संभाल अपने आप को भाई, मैं ना इन ग्रेनी एंड इन मिस्टर मीट को नहीं छोड़ने वाला हूँ, इनको दोनों को मारने वाला हूँ। बट वेट भाई सामने देखो यार, एंड यहाँ पर कितने सारे डायनासोर मरे पड़े है यार, ये मिस्टर मीट तो काफी बड़ा हल्क जानवर है। तो गाइस मेरे को पूछना पड़ेगा किसने मारा इन्हें। ये देखो सामने दो डायनासोर जिंदा बचे हैं। मालिक मिस्टर मीट ने मेरे भाई एंड बहन सबको मार दिया, मिस्टर मीट से हमें बदला चाहिए मालिक। हम दोनों को ही मारने वाले हैं, बट ये मिस्टर मीट एंड ग्रेनी ने क्या कर दिया भाई, इनका तो कुछ कसूर भी नहीं था भाई, बिना फालतू में इन डायनासोर ने हॉर्स को मार दिया। ये देखो भाई कितने डायनासोर मरे पड़े हैं। बट वेट भाई एक सेकंड, यहाँ पर वो पुलिस वाले तो थे यार, फिर ये कैसे मर गए, मुझे देखना पड़ेगा कि पुलिस वाले क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। चलो गाइस देखते हैं यहाँ पर पुलिस वाले कहाँ पर है। ओके 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 भाई, गाड़ियों के अंदर तो पुलिस वाले ही नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई पुलिस वाले छोड़ के भाग गए भाई, यानी कि नाइट के अंदर यहाँ पर मिस्टर मीट आया होगा, एंड मिस्टर मीट के डर से, ग्रेनी के डर से यहाँ पर पुलिस वाले गाड़ियों को छोड़कर ही निकल लिए भाई। ये तो काफी खतरनाक बात होगी गाइस, ये पुलिस वाले भी धोखेबाज निकले। बट गाइस हम क्या करने वाले, हम लेने वाले हैं यहाँ पर बदला, हम चलने वाले सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर मीट के घर, क्योंकि मिस्टर मीट को मार के आना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, उसने बहुत सारे डायनासोरों को मार दिया है। एंड फिर हम चलने वाले हैं यहाँ पर ग्रेनी को मारने के लिए, मिस्टर मीट को पहले मारेंगे ठीक है। तो जल्दी से ये वाली जो बुलेरो है उसको लेके चलते हैं यहाँ पर मिस्टर मीट के घर, क्योंकि भाई मिस्टर मीट तो गया भाई काम से। एंड ये देखो भाई यहाँ पर नाइट भी हो चुकी है, बट गाइस हमें रुकना नहीं है। वैसे मिस्टर मीट नाइट के अंदर काफी पावरफुल हो जाता है, बट हमें उससे कोई लेना नहीं है, बिकॉज हमें मिस्टर मीट को मारना है तो बस मारना है। तो हम चलने वाले हैं यहाँ पर मिस्टर मीट के घर, एंड जो सामने आपको जो रास्ता दिख रहा ना, यही रास्ता आता है मिस्टर मीट के घर। जिन लोगों को नहीं पता है कि मिस्टर मीट का घर का रास्ता कौन सा है, तो यही रास्ता है मिस्टर मीट के घर जाने का रास्ता यही है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मिस्टर मीट के घर। गाइस देखो इस वाली गाड़ी में बैठकर मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड सामने है ना एक छोटी सी दुकान है जो कि मिस्टर मीट की दुकान है, एंड भाई मिस्टर मीट मीट बेचता है यहाँ पर। एंड मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर मीट का पूरा घर। ये देखो भाई सामने आपको जो हाउस दिख रहा है ना, ये मिस्टर मीट का हाउस है, इसको बंद कर देते हैं। एंड मिस्टर मीट को मारने के लिए मैं यहाँ पर एक गन भी लेकर आया हूँ भाई, इसी से हम मिस्टर मीट को निपटाने वाले हैं, इसको ओपन करेंगे। बट मिस्टर मीट ने इसको बंद कर रखा है। मिस्टर मीट बाहर निकल, तेरे को मारने के लिए यहाँ पर आ जाया हूँ मैं। बट गाइस मेरे को तो लग रहा है कि मिस्टर मीट अंदर छुप गया है मेरे से डर के, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो गाइस अबे मिस्टर मीट कहाँ पर है, बाहर निकल भाई, मिस्टर मीट गया किधर, तो मेरे को तो यहाँ पर मिस्टर मीट तो नहीं लग रहा है। ओके कहाँ पर चला गया मिस्टर मीट, ओके किचन के अंदर भी मिस्टर मीट देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पर भी मीटर मीट नहीं है। ओके वो सामने रहा मिस्टर मीट, अरे साले मेरे को मारेगा, रुक तेरे को मार दिया रे साले। तो गाइस मैंने यहाँ पर मिस्टर मीट को तो मार दिया, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मिस्टर मीट किस प्रकार से दिखता है। ये देखो भाई इस प्रकार से मिस्टर मीट दिखता है, एंड साइज से ये भाई ये मेरे घोड़ों एंड डायनासोरों को खा रहा था अंदर से, बट मैं यहाँ पर आकर इसको निपटा दिया। अब बारी है यहाँ पर ग्रेनी को मारने का। तो गाइस हम चलने वाले हैं जल्दी से ग्रेनी के घर, इसको ओपन करते हैं जल्दी से, एंड इसको खोलते हैं यहाँ से, एंड जल्दी से ग्रेनी को मारने चलते हैं। तो गाइस हम चलने वाले हैं यहाँ पर ग्रेनी को मारने के लिए, एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्रेनी का रास्ता कौन सा है, तो ये रास्ता ना ग्रेनी के घर जाता है। बट वेट एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर कार को लेके जाऊंगा तो उसको कार की साउंड आएगी, एंड वो यहाँ से भाग जाएगी, या फिर वो मेरे को मारने के लिए ट्रैप लगा सकती है। गाइस तो हम क्या करने वाले हैं, हम चलने वाले हैं पैदल ही, बिकॉज भाई मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर हम कार से जाने वाले हैं। तो भाई सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसी समुंदर के नीचे यहाँ पर ग्रेनी का घर। बट वेट भाई वहां पर ना वो ग्रैंडपा भी होगा भाई, ग्रैंडपा उसका पति है, यानी कि ग्रेनी का पति ग्रैंडपा भाई, वो काफी डेंजर है, वो भी खतरनाक मारता है। फिलहाल हम चलने वाले हैं यहाँ पर ग्रेनी के घर, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ग्रेनी के घर,
एंड देखो सामने बहुत ही बड़ा एक कैस्टल है, वो ग्रेनी का घर है गाइस, इसको हम ओपन करने वाले हैं जल्दी से दरवाजे को। चलो इस दरवाजे को ओपन कर लेते हैं। बट सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि भाई ओके यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है भाई, ग्रेनी ने यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। बट गाइस सबसे बुरी बात यह है कि इस वाले ग्रेनी के घर के अंदर ग्रेनी अकेली नहीं है, बल्कि दरवाजा बंद हो चुका है भाई यहाँ पर, ये क्या हो रहा है। बल्कि उसके साथ यहाँ पर ग्रैंडपा भी है, उसका पति है भाई। ग्रैंडपा के हाथ में यहाँ पर एक खतरनाक शॉट गन भी होती है गाइस, तो हमें उसे कैसे भी करके दोनों को ही मारना पड़ेगा। रुको एक मिनट, पीछे क्या है, पीछे मुझे आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ तो पीछे भाई हो रहा है। व्हाट भाई, भाई अपने आप ही दरवाजा बंद हो रहा है, ये तो मेरे को बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज लगी। तो गाइस हम चलने वाले, अरे रुको एक मिनट यार, हम चलने वाले घर के अंदर एंड आई थिंक सो ये दरवाजा यहाँ से लॉक है, तो इसको मुझे खोलना पड़ेगा यहाँ से। चलो गाइस जल्दी से चलो खोलते हैं इसको। बट वेट, पीछे कौन है? व्हाट, दादाजी आ गए यहाँ पर। क्या रे, मेरी ग्रेनी को मारने के लिए आया है साले, ये ले। मार दिया दादा ने, मार दिया यार। तो गाइस हम ग्रेनी को यहाँ पर नहीं मार पाए, बट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ग्रेनी को मारने का जरूर ट्राई करेंगे। मिस्टर मिट को मैंने निपटा दिया बट ग्रेनी नहीं मर पाई। बट गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ यहाँ पर किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।